हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों में बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने कामों में बिजी होंगे। मैं आज फिर लेके आ गया हूं एक और अनबॉक्सिंग, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। लेकिन पैकेट आया है उसमें थोड़ा सा फटा हुआ है, देखता हूं कुछ ख़राब तो नहीं है। अंदर में इनवॉइस है, खोलने की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं, पैकेट वैसे ही खुला हुआ है। देखिए, ये है एक होल्डर, मोबाइल होल्डर, इसमें आप कैमरा भी लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेलमेट के ऊपर। तो अगर आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं कहीं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आपके दोनों हाथ व्यस्त होते हैं। और MRP देख लीजिए, 999 रुपये लिखा हुआ, मगर कितने का पड़ा ये मैं आपको अंत में बताऊँगा। डब्बे पर पूरे डिटेल दिए हुए हैं बाहर की तरफ, कंपनी का नाम, और ज़्यादा कुछ है नहीं, टूटने फूटने वाली चीज़ भी नहीं है। चलिए खोल के देखता हूँ। तो एक इसमें ब्रैकेट, मोबाइल ब्रैकेट है, और इसके अलावा ये एक पीस और है जिसमें तीन चार हिस्से होंगे, अंदर कुछ भी नहीं। इसको रखते हैं एक तरफ, ब्लू और ब्लैक में, कुछ प्लास्टिक, कुछ नायलॉन और कुछ रबर, ये हिस्से जुड़े हुए हैं। एक इसमें स्क्रू है, इसको खोल लेते हैं। स्क्रू से आप मोबाइल ब्रैकेट जहां पर लगाएंगे वो हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो पहले स्क्रू को निकालिए। तो मोबाइल जिसमें ऐड करते हैं वो हिस्सा भी निकल आएगा। तो दो पीस तो ये हो गए, वापस ऐसे ही लग जाएगा ये दूसरा पीस। ये रहा, एक तरफ नट बोल्ट फिक्स है, एक तरफ आपको स्क्रू करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ रबर, ब्लू कलर की रबर है ये। और बेल्ट्स हैं, चार बेल्ट हैं इसमें, तो जिस तरह आप हेलमेट अपना टाई करते हैं, बांधते हैं, उसी तरह ये भी बंध जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देखिए, बिल्कुल हेलमेट की तरह। और इसको फिक्स कर लेना है आपको अपने हेलमेट के ऊपर। अब हेलमेट में किस तरह फिक्स करेंगे वो भी मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा। पहले तो इसमें डाल के देखते हैं ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई भी चीज़ आए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदें, सबसे पहले चेक कीजिए उसमें कोई चीज़ कम तो नहीं, कोई पार्ट कम तो नहीं, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं। क्योंकि वारंटी पीरियड में होता है, या रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से 7 दिन या 3 दिन या हफ्ता भर या 10 दिन, जैसा भी हो आप उसमें देख के वापस कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन मैं भी लेता हूँ। चलिए वापस इसको इसमें लगा देता हूँ। तो इसमें लग जाएगा ये स्क्रू, टाइट हो जाएगा और ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें लगेगा मोबाइल ब्रैकेट। आप मोबाइल ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, पॉलीथीन के अंदर पैक है, कैची से काटना पड़ेगा। चलिए काट लेते हैं इसको भी। अब ये निकल गया ब्रैकेट, भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, और नीचे में स्पंज लगा हुआ है, पूरी तरह सिक्योर है। और कोनों में थोड़ा सा मोबाइल को रोकने के लिए भी दिया हुआ है, और दो तरफ स्क्रू है इसमें, तो आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। अंदर स्प्रिंग होता है, तो 4 इंच 4.5 इंच का मोबाइल आपका इसमें फिट हो जाएगा। चलिए इसको भी लगा के आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे बहुत से टेक्निकलॉजी से और अनबॉक्सिंग से भरे हुए वीडियो लाता रहता हूँ। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको एक बार ही करना, बार बार नहीं करना। चलिए इसको भी मैं लगा के देख लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा, और फिर इसको आप टाइट भी कर सकते हैं। तो अब इसके सारे पार्ट्स मैं निकाल के दिखाता हूँ आपके, कितने पार्ट्स हैं। बाद में मैं हेलमेट में भी लगा के दिखाऊंगा किस तरह से लगाना है, ताकि आपको सुविधा भी हो जाए और पूरा डेमो मैं आपको दे पाऊँ। ये देखिए, एक पीस तो ब्रैकेट हो गया, और नीचे से ऐसे लगाना चाहें आप हॉरिजॉन्टली तो वैसे भी लगा सकते हैं, वर्टिकली वो भी लगा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी सुविधाएँ हो गई। मोबाइल, अगर आप बाहर कहीं शूट करने जाते हैं, मोबाइल या आपका कैमरा हो, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल। अगर आप अकेले हैं और मोबाइल पे आप मूव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे शूट करेंगे। तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी मुझे अच्छा लगा, प्राइस वाइज भी सही लगा, तो मैंने इसको मंगवाया है। और देखिए सारे पीसेस मैं हर तरफ से दिखा देता हूँ आपको, चारों तरफ से, कहीं से कोई टूटा फूटा पीस नहीं है, वरना वापस कीजिए और बदल लीजिए। और इसके हिस्से मैंने अलग अलग कर दिए, तो आप देख पा रहे हैं कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें आपको एक स्क्रू मिलता है, एक ब्रैकेट मिलता है, यहाँ पर एक जिस पार्ट के ऊपर आप लगाते हैं अपना ब्रैकेट वो मिलता है, और एक हिंज मिलता है जिससे कि आप कनेक्ट होंगे। और चलिए अब मैं इसको आपको वापस लगा के दिखाता हूँ, हेलमेट में आप किस तरह से लगाएंगे। हेलमेट में फ्रंट की तरफ शीशे के नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर लगेगा ये, और बेल्ट की मदद से आप इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद इसमें मोबाइल लगा पाएंगे।
अब इस ब्रैकेट को आप चाहें तो फ्रंट की तरफ लगाएं, चाहें पीछे की तरफ घुमा हुआ लगा सकते हैं, जिससे कि आप हर तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने मोबाइल को, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो पहले मैं देख लेता हूँ कैसे लगाना है इसको, उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरह से आप बेल्ट लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए मैं आपको इसका MRP भी बता देता हूँ। MRP तो आपको खैर पता ही था, 999, लेकिन जितने का मुझे ये पड़ा है, मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ऑनलाइन और मुझे सिर्फ 399 का मिल गया ये। और अगर आप प्री पेड कर देते हैं तो कुछ डिस्काउंट और मिल जाता है, और चूंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी रखा तो 4-5 रुपये उन्होंने डिलीवरी चार्ज भी लिया, तो 404 रुपये का मुझे पड़ा है। लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट है और स्टडी है। अगर आपको इसमें 5 में स्टार देने की बात हो तो मैं इसमें 3.5 स्टार तो ईजिली दे सकता हूँ। और ये देखिए इस तरह से इसमें लगेगा। ये आप फ्रंट में नीला वाला हिस्सा रख लीजिए और बेल्ट को अंदर डाल के अच्छे से इसमें टाई कर लीजिए, ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। ये बेल्ट काफ़ी मजबूत है, ये आपकी कटने वाली नहीं है, नायलॉन की बेल्ट्स हैं। और ऊपर में नीला वाला हिस्सा आपका जो दिखाई दे रहा है वो है रबर का, और बाकी हिस्सा प्लास्टिक का। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें। आप लगा सकते हैं अपना मोबाइल भी, और इसमें आप लगा सकते हैं अपना एक्शन कैमरा भी। तो आपके मोबाइल पे लगा, ये हेलमेट पे लगा रहेगा और हेलमेट से आप देख पाएंगे और किस एंगल पे आपको रखना है वो भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो जब भी आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं अपने, या स्कूटर पे जा रहे हैं, टू व्हीलर पे जा रहे हैं, इसमें आप अपना कैमरा फिक्स करके या मोबाइल फिक्स करके इस स्टैंड के ऊपर आसानी से वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कई बार आप दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, लेफ्ट और राइट आप कैप्चर करना चाहते हैं कोई व्यू, तो आप अपना सर को घुमाइए बाईं तरफ, तो जाहिर सी बात है आपका मोबाइल और कैमरा भी साथ साथ घूमेगा, तो आप बाएं तरफ और दाएं तरफ भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, तो मैंने ये मंगवाया। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, आप चाहें आप भी मंगवा सकते हैं। और मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, लेकिन जब भी कोई चीज़ मैं मंगवाता हूँ मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप लोग भी रिकॉर्ड करते हैं, आप भी कई बार वीडियो बनाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो अगर सही प्राइस में और अच्छी चीज़ घर बैठे बैठे मिले तो क्यों ना बताया जाए। इसलिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने इसका वीडियो बना दिया और ये देखिए मैंने इसमें टाइट भी कर दिया है, अब आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने लगा के दिखा दिया, पूरे बहुत अच्छे से लग गया। अब सामने में आप अपना मोबाइल लगाइए और इसका ब्रैकेट चेंज करके आप अगर मोबाइल कैमरा होल्डर लगाएंगे तो कैमरा भी आप लगा पाएंगे इसमें। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, आप इसको लाइक भी कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के बाद शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए क्या आपको इससे सस्ता मिला कहीं, या आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो में बस मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, यंग दिखें। देखते रहें मेरे और वीडियोज भी, मैं ऐसे वीडियोज बनाता रहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं YouTube पे वीडियो किस तरह बनाएं, या कौन सी सुविधाएं YouTube देता है, या किस तरह आपकी हेल्प हो सकती है YouTube पे, उस पर वीडियो मैं बना सकता हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। अगले वीडियो तक आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।